यानी ये खड़ी है और शीशे में किसी ऐसे शख्स की छवि नजर आ रही है जो शख्स पूरी तरह जला हुआ है और इसको वार्न कर रहा है कि तुम कातिल हो। वो कहता है, मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहा हूं? मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतने दिनों से आप दोबारा गुम हुए, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या? समझ नहीं आ रहा। मैं यही पूछूंगा कि कैसे गुजर रही जिंदगी। पूछ रहे हैं कि कैसे गुजर रही है जिंदगी। अहमद, जिसे तुम जिंदगी कहते हो, दरअसल ये गम है। हाय हाय, जिंदगी गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। आहा, क्या कहने क्या कहने। लेकिन इन दी एंड अच्छी बात ये कि आप मजे में हैं। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हैं। और मैं कह रहा हूं कि क्यों ना बेफिक्र हो के अब सोया जाए। क्यों ना बेफिक्र हो के अब सोया जाए। हाय 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 हाय, कितनी मजे की बात है। हाँ। कि क्यों ना बेफिक्र हो के अब सोया जाए, अरे बचा ही क्या है जिसे अब खोया जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। आपके शेर भी लोग बड़े पसंद करते हैं माशाल्लाह। ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। तो उनकी मोहब्बत और प्यार को मद्देनजर रखते हुए तो जो उनकी डिमांड है वो भी पूरी की जाए। बिल्कुल, उन सब की जिन्हें हम अपना फैमिली मेंबर्स कहते हैं। क्या बात है। उन लोगों को बड़ा प्यार, बड़ी दुआएं दिल से। और जो लोग जिस कदर प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं तह दिल से उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इस बात की मैं बारहा माजरत चाहता हूँ और मैं भी कि आगे भी माजरत करूं इस बात की कि लेट होता हूं आने में, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी जरा मसरूफियत रहती है अहमद। और चूंकि इंतजार ना कराया जाए अपने प्यार करने वाले को आज की पहली कहानी शुरू की जाए। आज की पहली कहानी अहमद, एक बड़ी खूबसूरत लड़की, बड़ी पिंक कलर की बच्ची, या सुराई जैसी गर्दन उसकी, कमर से नीचे उसके बाल, क्या तारीफ करूं, हसीनो जमील, खूबसूरत लड़की। अब चूंकि खूबसूरत तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर से वो बिलोंग करती है, वो घर वालों की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए वो घर वालों की मर्जी से शादी कर दी। यानी घर वालों की मर्जी ने अपनी मर्जी से उसकी शादी करा। शादी हो गई। हो गई। अब शादी एक ऐसे शख्स से हो गई कि बड़ा गरीब सा लड़का है, यानी कि कोई कारोबार का कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि बड़ा मुस्तनद काम वम करने वाला हो। शादी हो गई। अच्छा वाला टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है। शादी को 5 साल गुजर गए अहमद, 5 साल गुजर गए। अब उस शादी में वो 5 साल के दौरान चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि लड़के ने अपने घर में, यानी घर वालों के साथ ज्वाइंटिंग में रहते हैं, वो 5 साल गुजरने के बाद उसने बेहतर ये समझा कि हम कहीं अलग शिफ्टिंग कर लेते हैं। अलग शिफ्ट हो गए घर वालों से हटके, अलग शिफ्ट हो गए। थोड़ा काम वाम की सेटिंग सही हुई, अलग शिफ्टिंग डाल दी। अब जहां जिस घर में वो गए हैं, आपने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि बच्चियां गुसल करने के बाद, नहाने के बाद तो छत पे चली जाती हैं अपने बाल खुश करने के लिए। हाँ, धूप में सुखाने, धूप में सुखाने के लिए। तो ऐसा ही है, इस बच्ची की भी यही रूटीन थी। ये नहाए धोए फ्रेश हुए और ये बाल सुखाने के लिए ये बच्ची छत पे चली गई। अब ये छत पे अपने बाल सुखा रही, तो क्या देखती है कि जिस छत पे वो खड़ी है, उस छत के सामने, यानी उनके घर के सामने, एक नीम का घना दरख्त है। नीम का दरख्त, घना दरख्त। ये क्या देख रही है कि वो नीम का दरख्त, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सिर्फ उस दरख्त की हदूद में बारिश हुई। यानी हरा भरा दरख्त, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने अभी इसको बारिश से धोया हो। हरा भरा लग रहा है उसको वो दरख्त बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है उसको। हस्बे दस्तूर दिन गुजर रहे, ऐसे ही एक दिन छत पे वो अपने बाल सुखा रही, वो क्या देखती है अहमद कि वो जो दरख्त है सामने, वो दरख्त उसको अपनी तरफ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो दरख्त उसको अपनी तरफ बुला रहा है। ये ना चाहते हुए भी अपनी छत पे खड़ी है, लेकिन उस दरख्त की जानी बढ़ रही है इस तरह कि जैसे कोई इसको इशारा कर रहा है कि आओ
वो दरख्त इतना इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये जाते जाते एकदम रुकती है, फिर देखती है कि वो दरख्त, ये दरख्त में ऐसी क्या चीज है, वो ऐसी क्या चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। हरा भरा दरख्त है अहमद, यानी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस दरख्त पे किसी ने बारिश की हो। और जब आप देखेंगे कि जब कहीं बारिश ना हुई हो और सिर्फ उसी हिस्से में बारिश हुई है तो दरख्त खिला हुआ होता है, हरा भरा लगने लगता है। तो वो उसको महसूस हो रहा है कि जैसे ये हरा भरा दरख्त और इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे सिर्फ इसी पे बारिश हुई हो। वो दरख्त अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दिन गुजर रहे हैं अहमद। अब क्या होता है कि एक दिन इसका मियां बड़ा खुशी खुशी घर अपने काम से लौट कर आता है और उसे कहता है, लो भाई ये मिठाई खाओ। वो कहती, किस बात की? कहता, मेरा दुबई का वीजा लग गया है और मैंने 2 दिन के अंदर अंदर दुबई जाना है। वो कहती, ये क्या? अरे भाई आप दुबई क्यों जा रहे हैं? वो कहता है कि देखो, मेरे दुबई जाने से अपने हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा। फ्यूचर के बारे में उसको बताता है, एग्री हो जाती है। तीसरा दिन आया अहमद कि जब इसको दुबई जाना है, ये घर में सबसे मिल मिला के, अपनी वालदा से मिल के आया है, सबसे मिल मिल के आके अब बेगम से रुखसती जा रहा है। वो कहती, मैं एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। कहता, नहीं तुम एयरपोर्ट ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उस लम्हे छोड़ नहीं सकता। जो लम्हा होता है वो एयरपोर्ट का जो लम्हा है ना अहमद, वो बड़ा दर्दनाक होता है। तो वो कहता, मैं वो लम्हे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम घर में ही रहो और मुझे इजाजत दो। ये घर से कह के निकला है अहमद। ये गया, गया तो ये घर में है लड़की, लेकिन बमुश्किल 4 घंटे गुजरे वो वापस आ गया। वापस आया अपने घर और बैल बजाता है। जब बैल बजती है, बीवी नीचे आती है। बीवी ने आके दरवाजा खोला और देख के कहती, अरे आप तो चले गए थे, आप वापस क्यों आ गए, खैरियत? तो वो कहता है, हाँ मैंने चला ही जाना था, लेकिन चूंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे मजीद 2-4 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद मेरी फ्लाइट होगी। वो कहती है, चले अल्लाह की जो मर्जी हो। घर में आ गए। अब घर में आ गए अहमद, तो घर में आने के बाद ये देखता है, कहता है, मैं सोचता हूं कि घर का नक्शा थोड़ा चेंज हो जाए। तो वो कहती है कि हाँ, जब आप बाहर जाएंगे, जब आप दुबई जाएंगे, तो मैं आपके जाने के बाद पूरे घर का नक्शा चेंज कर दूंगी, मतलब कलर वाला ये वो, मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो वो कहता है, अरे नहीं, तुम दुआ करो कि मेरा यही कोई काम की सेटिंग बन जाए तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही ना हो। जब मेरा यही सिलसिला सही हो जाएगा तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। वो कहती, इससे अच्छी क्या बात होगी। दिन हुआ अहमद, सुबह हुई, सुबह होने के बाद इन्होंने नाश्ता वाश्ता साथ किया है, अभी अपने काम के लिए जा रहा है। कहता, मुझे इजाजत दो और दुआ करो कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं, मेरा मकसद पूरा हो जाए। जी, कहती, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये घर से निकला, गया। शाम हुई, हस्ब दस्तूर शौहर घर वापस आया। अब जब वापस आया तो वो कहती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि आप जिस मकसद के लिए गए थे, क्या आपका वो काम हुआ? तो वो कहता है कि कैसे ना होता, जब तुम जैसी बीवी दुआ करने वाली हो तो काम कैसे ना हो। अपनी जेब से 1,00,000 रुपए निकालता है अहमद, 1,00,000 रुपए का बंडल निकाल के अपनी बीवी के हाथ में देता है। और वो कहती है, अरे आप तो सुबह गए हैं और जब वापसी आए हैं तो 1,00,000 रुपए लेकर आए हैं, ये कहां से आए? तो कहता है, मैं तुमसे कह के गया था कि तुम दुआ करो कि मुझे जाना ना पड़े, और अगर मेरी सेटिंग यही हो जाती है तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा ही हुआ कि जिस काम में मैंने हाथ डाला है, ये उस काम का एडवांस आया, 1,00,000 रुपए टोकन उसको मिल गया। बड़े खुश, दोनों बड़े खुश हैं। दिन गुजर रहे हैं अहमद। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। हस्बे दस्तूर वो अपने काम के लिए गया, शाम को वापस आया। अब जब वापस आया तो वही बात, खाने पे बैठा है, बीवी ने खाना रखा है। वो कहता है, अरे खाना तो खाते रहेंगे, पहले ये लो। फिर निकाल के 1,00,000 रुपए उसके हाथ में रखता है। उसका काम चल गया, काम चल पड़ा है। बीवी बड़ी खुश है, बजाय इसके कि वो उससे पूछती कि भाई आज भी तुम्हें 1,00,000 रुपए एडवांस के मिले, उसने मुनासिब नहीं समझा। उसने बोला, बस पैसे आ गए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बीवी ने 1,00,000 रुपए रखे, दोनों ने खाना वाना खाया। 2 दिन गुजर गए अहमद।
दो दिन से दोनों बहुत खुश जिंदगी दो दिन से इनकी जिंदगी में अजीब चेंज हो गया है, खुश हैं दोनों। तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन जब वो सुबह काम पर गया और जब शाम को वापस आया है तो वापस आने के बाद बीवी से कहता है कि आज मांगो मुझसे क्या मांगती हो, फरमाइश करो। वो कहती है मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं कभी आपके साथ बाहर खाना खाने जाऊं। तो कहता है ये कौन सी बात है, अभी चलो। बीवी को आउटिंग पे ले गया है अहमद, बाहर ले जाके खाना वाना खाया, दोनों ने मजेदार वापसी घर पर आए। तीसरा दिन है, ये घर आए हैं, रात हुई है, सोए हैं। अब चौथे दिन की जब सुबह हुई है अहमद, तो चौथा दिन क्या है कि संडे है, ऑफ है, मियां घर में है, घर में बैठे हुए दोनों टीवी देख रहे हैं मजे से। अचानक दरवाजे पर बैल बजती है अहमद, ये उठती है तो उसका शौहर उसको कहता तुम रुको मैं देखता हूं। कहती नहीं आप बैठे मैं देखती हूं। ये उठ के नीचे उतरी है, गेट पर गई है। गेट पर जाके जब इसने दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देखती है? क्या वो देखती है कि उसका शौहर दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। ये उसको देखती है और चीख मार के दरवाजा बंद करके वापस अंदर भागती है और ये सोचती हुई जा रही है कि ये तो अंदर थे, ये बाहर कैसे आए। ये सोचती हुई ऊपर भाग रही है और जैसे ही घर में पहुंचती है जहां वो अपने शौहर को छोड़कर गई है, जिससे ये बोल कर गई है कि आप बैठे मैं देखती हूं, अंदर आई है तो वो वहां पर कोई भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं है। उसने देखा कि मैं तो इनको यहीं छोड़ के गई हूं। ये सोचती है ये क्या, फिर ये दोबारा वहां जाती है। ये वापस नीचे उतरी है अहमद और इसने जाकर जब दरवाजा खोला है तो क्या देखती है कि इसका शौहर बाहर खड़ा हुआ है। वो कहता है मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूं और तुमने मुझे देखा, चीख मार के दरवाजा बंद कर दिया, मैं दरवाजा बजा रहा हूं और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। तो इसकी बीवी जानते हो उससे क्या कहती है? क्या वो उससे कहती है मैं दरवाजा कैसे खोलती, तुम तो अंदर भी थे और तुम ही बाहर हो। वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये बातें करते हुए अंदर आए दोनों मियां बीवी, आके घर में बैठे। अब बीवी सहमी हुई है। वो कहता मुझे बताओ, मुझे बताओ तुमने क्या देखा। कहती मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि जब मैं दरवाजा खोलने गई तो आप और मैं यहां बैठे हुए थे और जब मैं दरवाजा खोलने गई हूं तो मैं आपको यहां छोड़ कर गई हूं, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो आप बाहर भी थे और फिर जब मैं दरवाजा बंद करके अंदर आई हूं तो यहां आप नहीं थे। तो उसकी बीवी ने यह नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ थे 3-4 दिन से और तुम बाहर थे? वहीं आ रहा हूं। हाँ बीवी ने उससे कहा हाँ कि आप अगर बाहर थे हाँ तो वो कौन था जो अंदर था। वो कहता है रुको, मैं 3 दिन मुसलसल दुबई जाने के बाद मैं तुम्हें मुसलसल 3 दिन से कॉल कर रहा हूं। वो कहती है क्या बात कर रहे हैं, 3 दिन से आप कॉल कर रहे हैं लेकिन आप तो दुबई गए नहीं। वो कहता है मैं दुबई नहीं गया। पासपोर्ट निकालता है, पासपोर्ट खोलता है, उस पे स्टंप दिखाता है कि पासपोर्ट आउट और इन, यानी पासपोर्ट पे स्टंप लगी हुई है। कहता है मैं दुबई से होके आया हूं और तुम कह रही हो कि मैं दुबई गया नहीं। तो वो कहती है आप तो मेरे साथ ही थे, आप तो कहीं भी नहीं गए। कह रहे 3 दिन से मैं तुम्हें मुसलसल कॉल करता रहा और तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो कह रही नहीं आपकी तो कोई भी कॉल नहीं आई। कह रहा है मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके कहा कि जाओ जाकर घर पे देखो कि तुम्हारी भाभी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तो उसने मुझे ये कहा कि जब मैं घर पर गया हूं तो घर पर बाहर से ताला डला हुआ है। तो जानते हो बीवी क्या कहती है? हाँ। वो कहती है ताला कैसे डल सकता है, मैं तो कहीं गई नहीं, कहीं नहीं गई कि मैं 5 मिनट के लिए भी ताला घर के बाहर डाल दूं। ताला तो लगा नहीं था, घर तो खुला हुआ ही है। ये दोनों मियां बीवी परेशान हो जाते हैं। दिन निकलता है अहमद, तो इसका मियां सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ है,
ये एक हजरत के पास लेके जाता है, एक साहब हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उनके महल्ले में रहते हैं। हाँ। ये उनके पास ले गए, इसलिए कि सारी बात उनसे शेयर की। बीवी से कहा कि बताएं बताएं जो आपके साथ हुआ। उसने बाबा को सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये ऐसा होता रहा, मैं छत पे बाल सुखाने जाती रही। दरख्त वाली बात भी बताई कि मैं जब छत पे जाती हूँ तो मैंने देखा कि एक नीम का दरख्त है जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी तरफ मुझे बुला रहा है। हाँ। तो जानते हो बाबा ने उससे क्या कहा? क्या कहता? तुम ऊपर जाने से परहेज करो। कहती है वजह? मैं ऊपर क्यों ना जाऊं? वो कहता है जिस दरख्त को तुम देखती हो, जो दरख्त तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ मायल कर रहा है, दरअसल वो बेसिक दरख्त दिखाई देने में तो दरख्त है लेकिन लेकिन उस दरख्त के ऊपर एक जिन का कब्जा है, और वो जिन जो जिन तुम पर आशिक हो चुका है। 3 दिन तक जो इसके साथ रहा है इसकी मियां की गैर मौजूदगी में, वो जिन जो उस पर आशिक था। ये सारी बातें उसको उस बाबा ने बताई कि वो जिन तुम पर आशिक है, बजाय इसके कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो तुम ऊपर जाने से एहतियात करो। इसका मियां भी इसे समझाता है। अब जानते हो अहमद क्या होता है? तो अब तो सारी कहानी खत्म हो गई क्योंकि बाबा ने पढ़ने वढ़ने को कुछ दिया होगा। नहीं अहमद, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो यहां से शुरू हुई है। जानते हो कैसे? कैसे? वो ऐसे 5 साल इनकी शादी को गया अहमद। हाँ। इनके औलाद का कोई सिलसिला नहीं बना। अब इस सारे मामलात को 3 महीने गुजर गए अहमद, 90 दिन गुजरे। अब 90 दिन गुजरने के बाद इस लड़की को क्या फील हो रहा है कि जैसे मैं पेट से हूं। ये कह रही है कि अगर मैं पेट से हूं। हाँ। तो इसके दिमाग में, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, वो सिम्टम्स आए उसको बिल्कुल, खुद में घर में टेस्ट कर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसने अपने शौहर से मशवरा किया, उसने कहा कि ठीक है आप चेकअप कराएं। जब चेकअप कराया तो पता ये चला कि वो माँ बनने वाली है। अच्छा, इसके शौहर 5 साल तक औलाद नहीं थी? नहीं थी। ओए होए। अब जब ये माँ बनने वाली है तो शौहर ने और बीवी ने, इन दोनों ने बैठ के ये मशवरा किया कि मुझे ये बताओ, शौहर बीवी से पूछ रहा है, मुझे ये बताओ क्या इस बच्चे को दुनिया में आना चाहिए? हाँ, क्योंकि डर तो उन्हें होगा क्योंकि ये उसके शौहर का बच्चा तो वो नहीं। कह रहा है कि तुम मुझे बताओ क्या इस बच्चे को दुनिया में आना चाहिए। हाँ। तो बीवी उससे कहती है कि ये मेरी मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप बताएं आना चाहिए या नहीं। हाँ। तो शौहर बजाय इसके कुछ सोचे और समझे डू एंड डाई करता है। वो कहता है कि मेरा मशवरा है कि नहीं, क्योंकि एक अजीब मखलूक का जो है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। इन दोनों ने बाहमी मशवरे से यह फैसला किया कि इस बच्चे को दुनिया में नहीं आना चाहिए। जाया कर देते, वॉश करा देते हैं अहमद। जब वॉश करा दिया है, 2 दिन रेस्ट के बाद, हाँ। 3रे दिन ये लड़की खड़ी है। हाँ। और ये वापस छत पर गई है अहमद। ये लड़की छत पर हस्बे दस्तूर खड़ी है। हाँ। बजाय इसके कि वो बाल सुखा रही होती, ये भी बाल नहीं सुखा रही। इसको कोई ऐसी चीज ऊपर खींच के लेके गई है जो ना चाहते हुए भी ये ऊपर गई है। और जानते हो जब ये ऊपर जाके खड़ी हुई है तो इसने उस दरख्त को क्या पाया है? इसने उस दरख्त को ऐसा पाया है जैसे वो दरख्त इस पे गुस्सा कर रहा हो, यानी वो दरख्त जला हुआ है अहमद। जिस दरख्त को वो हरा भरा देखती रही, वो दरख्त जल के खाक हुआ हुआ है। फिर तो ये बात कंफर्म है कि ये बच्चा उसी का था। उसी का था। वो दरख्त गुस्से में, इसको ये फील हुआ कि ये दरख्त गुस्से में है, ये डर के नीचे भागी है अहमद। अब जब ये नीचे भागी है, अपने रूम में आई है। हाँ। रूम में आके ये सोच रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ गलत हो गया हो। हाँ। यही सोचते हुए ये शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने बाल संवार रही है। अब बालों में जैसे ही इसने कंघा फेराया अहमद, तो जानते हो क्या देखती? क्या वो देखती है कि शीशे में, यानी ये खड़ी है और शीशे में किसी ऐसे शख्स की छवि नजर आ रही है
जो शख्स पूरी तरह जला हुआ है और इसको वांग कर रहा है कि तुम कातिल हो। वो डर गई, कहती है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? वो कहता है हां तुम कातिल हो। क्यों? कि तुमने मेरा बच्चा मारा है। ये सुनती है और बेहोश हो जाती है। यानी अब वो शख्स जो पहले दरख्त के रूप में था जी, फिर उसके मियां के रूप में था, बिल्कुल, अब वो अपने असली रूप में इसको नजर आया और ये देख के डर के उसको बेहोश हो गई। बेहोश हो गई है। अब जब बेहोश हो गई, हाँ, मियां घर में आया। मियां ने आके देखा कि अरे पानी वानी का छीटा वीटा मारा उठाया, क्या हुआ? उसने सारी बात उसको बताई कि देखो ऐसा ऐसा। वो कहता है क्या कह रही हो? वापस गया उसी के पास। किसके पास? बाबा के पास, बुजुर्ग के पास गया। उन्हीं बुजुर्ग के पास गया कि हजरत हमें बचाइए और हमें कोई ऐसी तजवीज बताइए कि जिससे हमारी जान छूटे। तो जानते हो बाबा ने उससे क्या कहा? बाबा ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रूटिंग पर आ जाए, मामूल पर आ जाए, तो पहली फुर्सत में वो घर छोड़ दो। अब जब घर छोड़ दो तो उन्होंने यही फैसला किया कि बेहतर यह है बजाय इसके कि कोई तोड़ किया जाए, जगह छोड़ी जाए, क्योंकि वो दरख जहां होगा वहां मसला होगा। जब घर चेंज कर लेंगे तो दरख से भी क्या होता है। इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसी दौरान उसके मियां की कॉल आती है और उसके दोबारा दुबई जाने का बनता है। तो ये फैसला करता है बजाय इसके कि यहां कहीं शिफ्टिंग डाली जाए, मैं दुबई चला जाता हूं। तो ये अपनी बीवी को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है अहमद। इस कहानी का जो कंक्लूड अगर इसको करा जाए तो वो ऐसे है कि एक जिन एक लड़की पे बिल्कुल आशिक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उससे किसी रूप में मिल नहीं सका। लेकिन जब उसका मियां वहां चला गया दुबई, तो वो उसके मियां के रूप में आ गया। और उसके बाद उसने ये किया कि उस लड़की का नंबर बंद किया ताकि इसके मियां की कॉल ना मिल सके, कॉल ना आ पाए, और उसके घर के बाहर ताला लगा दिया। वो भी उसी का काम था। उन 3-4 दिनों में इनको कोई तंग ना करे। बिल्कुल। और जो भी इनमें, क्योंकि वो लड़की का कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में तो वो उसका हस्बैंड था, तो जो भी मामला होते उन्होंने किए, यहां तक कि वो मां बनने की नौबत पर आ गई। बिल्कुल। और जब पता चला, क्योंकि उसका हस्बैंड, तो उसके अंदर ये एक खामी थी कि वो बाप नहीं बन सकता था, ये तो अल्लाह की तरफ से होती है कि वो बाप नहीं बन सकता था, लेकिन वो औरत मां बनने की स्टेज पे आ गई अचानक। और जब पता चला ये बच्चा उसका है, बिल्कुल इसका बच्चा, तो फिर उन्होंने वो बेहतर यही जाना कि बजाय इसके कि उसको पाल के मजीद उसकी परवरिश की जाए, उससे बेहतर ये कि इस चैप्टर को यहाँ क्लोज किया जाए। और ये बात उस जिन से बर्दाश्त नहीं हुई। बिल्कुल। तो उसने फिर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्होंने चेंज कर लिया, जगह चेंज। और ये भी हो सकता है कि अगर वो चेंज ना करते तो फिर उनको नुकसान बिल्कुल का सामना करना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस कहानी के तवस्सुत से मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी सुनने वाले हैं, अक्सर ऐसा होता होगा जैसे हमने सुना है कि भाई छत पे बाल सुखाए जाते हैं, कि धूप में बैठे हुए बाल सुखा रहे हैं। तो जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो ये अमल करती हैं, और खास तौर पे जाके छत पर ये अमल करती हैं कि अपने बाल खुले हुए हैं और बाल झाड़ रही हैं धूप में, चलो भाई धूप तक तो समझ में आता है कि दिन का टाइम है, धूप में बैठ गए, लेकिन उन तमाम सुनने वालों को मेरी ये एडवाइस है, मेरे बच्चों याद रखना कि कभी भी मगरिब के बाद खुले सर छत पे नहीं जाने का काम है। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि कौन कहां किस वक्त किस रूप में है। एहतियात करें। क्या ही जबरदस्त कहानी थी शेख साहब। और अच्छी बात यह है, इस कहानी के एंड में मैसेज भी मिला। और शेख साहब, अब हम टाइम जाया नहीं करेंगे, मैं बड़े एक फ्लो में चल रहा हूँ, बड़ा बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी ये, तो अब फौरन दूसरी कहानी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह दूसरी शुरू करते हैं। अहमद, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त हैं, बेचारे पढ़े लिखे हैं, मगर चूंकि नौकरी ना होने की वजह से परेशान है, बेरोजगार हैं। अब ऐसे ही दोनों बैठे हुए एक दिन बात कर रहे होते कि यार ऐसे कैसे कटेगी, यार कैसे गुजरेगी, हमने पढ़कर अपने घर वालों का पैसा भी जाया कराया, जिस मुल्क में हम रहते हैं यहां बड़ी नाइंसाफियां हैं। तो उनमें से ही ये नाइंसाफियों का शिकार हुए ये दोनों, पढ़ लिख के बेचारे कुछ कर ना सके, कई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बेजार बैठे हुए हैं। कहते यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
यही सोचकर अपने एक दोस्त को कॉल मिलाते हैं। कॉल मिलाई, हाँ भाई जमशेद, हाँ कैसे हो? हाँ भाई खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। अरे यार जमशेद, कोई काम वाम की कोई सेटिंग देख यार। वो जानते हो इनसे क्या कह रहा है जमशेद? वो कहता है यार कितना लकी है तू कि देख अभी अभी इत्तफाक से मेरे पास एक जॉब आई है, लेकिन वो तेरे बस की नहीं है। वो कहता है भाई तू मुझे काम बता, सिर्फ काम बता, मैं काम करने के लिए हूँ यार, मुझे काम करना। बेरोजगार है, परेशान है। तो वो जमशेद जो दोस्त है इनका जिस पे फोन पे बात हो रही है, वो उनसे कहता है कि देखो मैं तो नहीं चाहता कि तुम वहां नौकरी करो, क्योंकि जगह ही ऐसी है। वो कहता है भाई पहली क्यों बुझवा रहा है, तू मुझे काम बता। वो कहता है फिर एक काम है कि काम है मुर्दा खाने में नाइट में ड्यूटी करनी है, यानी रात भर मुर्दा खाने के बाहर बैठना है। तो ये सोचते हैं कि यार मुर्दा खाने के बाहर ही बैठना है। बोले हाँ बिल्कुल बैठ जाएंगे। बोले बस ठीक है, मैं तुम्हारी कल बात करा देता हूँ। इन दोनों की नौकरी लगवा दी, दोनों की नौकरी लगवा दी। अब ये दोनों बड़े खुशी खुशी मुर्दा खाने में नौकरी कर रहे हैं। मुर्दा खाने में ज्वाइनिंग हो गई दोनों की, ये दोनों दोस्त वहां भी दोस्त है, मुर्दा खाने में ड्यूटी चल रही है। थोड़े दिन गुजरे हैं, अब एक दिन क्या है कि ये नाइट ड्यूटी में बैठे हैं दोनों मुर्दा खाने के बाहर, एम्बुलेंस आती है, सायरन मारती हुई एम्बुलेंस आई है, स्ट्रेचर निकाला है उसमें से, उसमें क्या देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी है। वो लड़की के सर से खून निकल रहा है। इन्होंने देख लिया कि ये एक्सीडेंट का केस है। क्या यार लड़की जख्मी भी है। लड़की को लेके बोले क्या? बोले यार ये तो एक्सपायर हो गई है। बोले हैं? बोले मर चुकी है? बोले हाँ। मुर्दा खाने का दरवाजा खोला, लड़की को अंदर मुर्दा खाने में रखा, दरवाजा बंद किया, ये बाहर आके बैठ गए। बोलते आपस में बात कर रहे हैं, देखो यार जवान लड़की मर गई यार, क्या हो रहा है हालात को, कैसे मर गई होगी यार, और इसको यहाँ लेके कौन आ गया? हाँ पूछा नहीं कि वो कौन था, बता रहा है वो कि इसको लेके कौन आया। बोले पता नहीं कौन, दो शख्स आए और आगे कहने लगे भाई ये नामालूम लाश है कि हमें तो रोड पे से मिली है, तो आप इसको यहाँ रखें। तो ये लावारिस लाशों में रख दिया गया है इसको। बड़े परेशान होते हैं कि यार देखो न जाने कौन है, कि इसके विरसा को पता है भी या नहीं। ये यही सोच रहे हैं कि इसी दौरान रात के 3 बज गए, अहमद 3 बजे रात का टाइम है, ये दोनों दरवाजे के बाहर बैठे हैं कि अचानक मुर्दा खाने के अंदर से दरवाजा बजने की आवाज आ रही है। मुर्दा खाने के अंदर से, अंदर वाले साइड से। ये दोनों हड़बड़ा के उठते हैं। हाँ। ये कहते यार तूने कुछ सुना? बोला यार मैंने भी सुना। बोले क्या? बोला अंदर से कोई दरवाजा बजा रहा है। ये दोनों उठते हैं, दरवाजे के करीब जाते हैं, वो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा मुसलसल बज रहा है। ये मजबूर होकर उससे पूछते हैं कि भाई कौन हो और तुम अंदर क्या कर रहे हो? तो जानते हो अंदर से क्या आवाज आ रही है? क्या? अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही है जो इनसे कह रही है कि मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, और मुझे मुर्दा समझकर तुम लोगों ने मुर्दा खाने में डाल दिया। अब जब ये दोनों ये बात सुनते हैं तो हड़बड़ा के दरवाजा खोलते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि वो लड़की खड़ी है जो भी 4 घंटे पहले आई है, जिसको इन्होंने डेड बॉडी समझ के यहां मुर्दा खाने में डाल दिया। वो लड़की वहां खड़ी है, वो उनसे पूछते हैं दोनों कि भाई तुम? वो कहती है हां मैं तो जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं, थोड़ी सी देर के लिए मैं बेहोश हो गई होंगी, तो तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ के यहां डाल दिया। तो वो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, हमें अपना पता बताइए ताकि हम आपके विरसा को बुलाएं। तो वो कहती है कि नहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप एम्बुलेंस में आइए, हम आपको छोड़ के आते हैं। उस लड़की को वापस स्ट्रेचर पर डालते हैं, एम्बुलेंस में लिटाते हैं। अब ये दोनों एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं कहां? लड़की के घर। गाड़ी रुकती है, उन्हें एड्रेस बताती है कि देखें 4th फ्लोर पे जाएं, और मुनीर नाम का आदमी है जो मेरा शौहर है। अच्छा अपने घर मतलब ससुराल लेकर आई? ससुराल लेकर आई। अच्छा लड़की शादीशुदा थी? शादीशुदा है। वो कहती है मुनीर नाम का शख्स है जो मेरा शौहर है। हाँ। और जाके उससे कहें कि मैं जख्मी हूं और मुझे आके लेकर जाए। ये दोनों उतरते हैं, वो कहते हैं जा यार जाके देख। वो कहता नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, तू भी मेरे साथ चल। ये दोनों ऊपर जाते हैं, लड़की नीचे एम्बुलेंस, लड़की नीचे एम्बुलेंस में है। हाँ। ये ऊपर गए हैं अहमद, दोनों 4th पे गए हैं, इन्हें जाके बेल दी है।
इत्तफाक से एक शख्स बाहर निकला, बोलता है हाँ भाई बोलो। कहता है आपका नाम? कहता है मेरा नाम मुनीर है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा कि यार ये उसका शौहर है, तो उसके शौहर से मुखातिब होते हैं कि यार आप अजीब आदमी हैं, किस किस्म के शौहर हैं आप कि आपकी बीवी जख्मी हालत में कोई हॉस्पिटल छोड़ गया और उसे मुर्दा समझ के मुर्दा खाने में डाल दिया गया, लेकिन वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, स्ट्रेचर पे लेटी है, एम्बुलेंस में है, आप लोग आए मेरे साथ। उसका शौहर उसको देखता है गुस्से से, कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरी बीवी कैसे जिंदा हो सकती है? कहता है अरे भाई हम लेकर आए हैं, हमारे साथ एम्बुलेंस में है वो। वो कहता है नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो मेरी बीवी नहीं है। वो कहता है तुम्हारा नाम मुनीर है? वो कहता है हाँ मेरा नाम मुनीर है। तो कहता है हमें कैसे पता कि तुम्हारा नाम मुनीर है? हमें बताया गया कि आपका नाम मुनीर है और आप उसके शौहर हैं। वो कहता है किसके शौहर? कहता है उस औरत के जो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है दफा हो जाओ यहां से। मुनीर कह रहा है कि दफा हो जाओ यहां से, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, आज हमने उसका स्वयं भी किया है, और तुम पागल हो गए हो जो मुझे ये बताने आए हो कि मेरी बीवी जिंदा है और स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेटी है, तुम्हारा दिमाग खराब है। वो कहता है भाई आप रैश क्यों हो रहे हैं, आप हमारे साथ चलें और आप अपनी आंखों से देखें कि वो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से मार के और धक्के मार के निकालूं, दफा हो जाओ दोनों यहां से, मेरी बीवी जिंदा नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये दोनों कि तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहे हो कि वो जिंदा नहीं हो सकती? वो कहता है मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहा हूं? मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। उसके शौहर ने उसके मुंह से ये बात निकल ली थी अहमद के पीछे से उसकी मां आती है, किसकी? मुनीर की मां, और मुनीर का हाथ पकड़ के खींचती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो अंदर, पता नहीं क्या उल फुल बक रहे हो। उसकी मां उसका हाथ पकड़ के अंदर खींचती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब जब दरवाजा बंद करती है तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि तो यार मेरी समझ में नहीं आया कि इनके हिसाब से वो लड़की 3 दिन पहले मर चुकी है, तो ये दोबारा उस लड़की के पास जा। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इनके हिसाब से वो मर चुकी है, और तूने सुना, तूने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा जो ये ना बोलते हुए भी इसके मुंह से निकला कि इसने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और भागते हुए नीचे जाते हैं कि हम देखें और उससे कहें कि तुम्हारा शौहर नहीं आ रहा। ये नीचे गए हैं और एम्बुलेंस में जैसी जाके देखते हैं अहमद, तो एम्बुलेंस में कोई भी नहीं है, कहां चली गई? स्ट्रेचर खाली है। ये दोनों एम्बुलेंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, कोई सुराग नहीं, कुछ निशान नहीं, उस लड़की का कोई अता पता नहीं। ये अभी सोच ही रहे होते हैं कि इनमें से एक का फोन बजता है। अब जब फोन बजता है ये रिसीव करता है, रिसीव करता है तो किसकी कॉल है? उस जमशेद की जिसने नौकरी पर लगवाया। उनके दोस्त की कॉल है। उसने फोन कटकड़ी, हाँ हेलो, बोले यार देखो ना वही हुआ ना जिस बात का डर था, तुम यहां भी दोस्तियां कर रहे हो, कहां चले गए अपनी ड्यूटी छोड़ के? और तुम देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि कोई ब्लेंडर नहीं मारना वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। वो कहते हैं भाई क्या हुआ, हम तो उसी काम से निकले हुए। कहता क्या मतलब, कहां गए हो? कहता है जो 4 घंटे पहले जो लाश आई थी, जो मुर्दा खाने में रखी गई, वो जिंदा थी, जिसको लेकर हम उसके घर आए हैं ताकि उसके घर वालों के हैंडओवर कर सके। तो जमशेद जानते हो क्या कहता है? कहता है बेवकूफो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो लड़की 4 घंटे पहले आई थी उसको गुसल दिया जा रहा है, वो वहां गुसल दिया जा रहा है उसको। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये अभी यहां थी वहां उसको गुसल दिया जा रहा है। फौरन एम्बुलेंस में बैठते हैं और सीधा अपनी जगह पे पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं और क्या देखते हैं अहमद, कि उस लड़की को गुसल दे के तैयार कर दिया गया है, यानी तदफीन के लिए तैयार है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और इशारा किया कि बस चुप, किसी को कुछ ना बताओ। दोनों चुप हो गए अहमद। अब ये खामोश हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दिन गुजर गया अहमद, दूसरा दिन हुआ, अज़्म-ए-दस्तूर, दूसरे दिन नाइट ड्यूटी,
ये दोनों वहीं गेट के बाहर बैठे हैं और ये कल का जिक्र कर रहे हैं कि यार देख ये कैसी बात हुई है, यानी ये ऐसा मामला है जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, किसको बताएं, और बिल्कुल खौफजदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने यहां सिर्फ अपनी नौकरी करनी है, होने दे जो हो रहा है। डर के मारे किसी को भी नहीं बताया। रात हो रही है अहमद, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब जब 2 बज गए अहमद, तो जानते हो 2 बजे के बाद वही आवाज जो इन्हें कल आई थी, वही आवाज उन्हें अंदर से आ रही है, यानी दरवाजा बज रहा है अंदर से। ये दोनों फिर उठे, इन्होंने बोला यार कल भी बजा था और आज भी बज रहा है। इन्होंने फिर कल वाली बात रिपीट की कि तुम कौन हो। वो कहती है मैं कौन हूं, तुम दरवाजा खोलो तो मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। वो कहता है नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम पहले बताओ कि तुम कौन हो। वो कहती है तुमने मेरी कल भी मदद की थी और तुम्हें मेरी आज भी मदद करनी है। ये दोनों बाहर से कह रहे हैं हम समझे नहीं। वो कहती है अंदर से कि मैं वही लड़की हूं जिसके घर तुम कल उसे लेकर गए लेकिन घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वही लड़की हूं कि जिसको उसके ससुराल वालों ने, यानी मियां ने मिलकर, मियां ने गला दबाया और उसकी सास ने उसके सर पर डंडा मारा जिससे वो जख्मी भी हुई। कहती मैं वो लड़की हूं जो अपने मियां के हाथों मरी। तुम याद करो, याद करो कि मेरे मियां ने तुमसे कुछ कहा होगा। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो कहते हाँ हमसे कहा जरूर है, हमसे बातों बातों में उसने ये कहा है कि उसने तुम्हें गला दबा के मारा है। तो जानते हो अंदर से वो क्या कह रही है। कहती हां बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे गला दबा के मारा गया है और मेरे सर पे एक डंडा मारा गया है जो मेरी सास ने मारा है। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे इंसाफ मिले तो तुम सिर्फ हकीकत, जो हकीकत है, मेरी मदद ऐसे कर सकते हो कि यही तमाम बात तुम जाके पुलिस को बताओगे कि मुझे मेरे शौहर ने कत्ल किया और मेरी सास के साथ मिलके। फिर उन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस को बताया है और उसके शौहर गिरफ्तार। बिल्कुल गिरफ्तार हुआ। क्या कहानी थी शेख साहब, जबरदस्त मजा आ गया। यानी इस कहानी का भी कंक्लूड अगर करें वो यही है कि एक लड़की को उसके ससुराल में उसके शौहर और सास ने मिल के कत्ल किया और लावारिस लाके उसको मुर्दा खाने में डाल दिया गया। तो उस लड़की ने फिर, क्योंकि अगर उस लड़की की रूह अगर कम्युनिकेट ना होती हाँ उन दो लोगों से हाँ तो फिर कैसे पता ही नहीं चलता क्योंकि वो लावारिस समझ के उसको दफना भी देते और इंक्वायरी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता पता ही नहीं चलता क्योंकि हजारों ऐसी लावारिस लाशें आती हैं। बिल्कुल आती हैं अहमद, लेकिन उस लड़की ने खुद अपनी मदद की। बिल्कुल कम्युनिकेट हुई उन लोगों से और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, और वो फिर पहुंच गए अंजाम तक अपने। बिल्कुल ऐसा ही अहमद, वो अपने अंजाम तक को पहुंचे। और मैं इस कहानी के तवस्सुत से हाँ। एक बात कहना चाहूंगा अपने तमाम सुनने वालों को हाँ। कि याद रखें दोस्तों हाँ। बच्चियों की शादी करते वक्त हम क्योंकि हमारा मजहब भी हमें इस बात की इजाजत दे रहा है कि हम बच्चियों से पूछें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल पूछें जरूर, और उनके लिए भी कि जो लोग किसी की बच्ची ब्याह के अपने घर लाते हैं, मेरी उनसे ये दरखास्त है, मेरी उनसे यह दरखास्त है, हाथ जोड़ के उन तमाम लोगों से यह दरखास्त है कि वो जिसकी बेटी अपने घर लाए हैं उसको अपनी बेटी समझो, ना कि उसको बहू समझो। नहीं, बहू ना समझो, अगर आप उसे अपनी बेटी तसव्वुर कर लें, अपनी बेटी समझ लें, क्योंकि वो किसी की बेटी आपके घर आई है। अरे कोई अपने जिगर का टुकड़ा आपके हैंड ओवर कर रहा है, आपके सुपुर्द कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखना है। क्यों कि आप भी बेटी वाले होंगे, आपकी भी बेटी कहीं जाएगी। आप यही तवक्को रखें कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। और मैं कहता हूं कि ससुराल के आधे मसले तो इसी बात से हल हो जाते हैं
कि लड़की जो है ससुर को अपना बाप समझ ले, बिल्कुल ऐसे, सास को अपनी माँ समझ ले, ऐसे ही, और सास जो है अपनी बहू को बेटी समझ बेटी ले, समझ ससुर भी अपनी बेटी समझ ले, बेटी समझ, सारे मसले हल हो जाए, सारे मसले हल हो जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां थी, बहुत जबरदस्त कहानियां थी शेख साहब, कम बैक किया आपने काफी दिनों बाद, थैंक यू मेरी जान, उम्मीद करते हैं कि आप कम बैक करते रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कम बैक होता रहेगा। और तो आपसे जो लोग प्यार करते हैं, बस उनको एक मैसेज दे दें, बस मैं उन तमाम लोगों के लिए सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है दोस्तों कि मैं, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदगी है मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसा काम मेरे से हो जाए कि जिसमें आपकी इस्लाह हो जाए, जिसमें आपको तंबी हो जाए, जिसमें आपकी कुछ समझ में आ जाए। मेरी इन तमाम बातों में कोई भी एक बात अगर आपको लग जाए तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और जितने यंगस्टर हैं, जितने जवान हैं, उन सबको एक मेरा मैसेज है दोस्तों कि ख्याल रखें, ख्याल रखें अपने बाप का। मुझसे किसी ने पूछा कि यार ये मर्द क्या चीज है, अहमद देखो कितनी मजे की बात, ये मर्द क्या चीज है, हाय जैसे पूछो मुझसे मर्द क्या चीज है, ये मर्द क्या चीज है, अहमद ये मर्द बड़ी मजेदार चीज है, जानते हो कैसे, कैसे, और अगर यकीन नहीं ना तो अपने बाप को देखो कितनी मजेदार चीज, क्या बात है, क्या बात है, लाख आपके वारिस हो लेकिन अगर आपका बाप नहीं है तो आप लावारिस हैं अहमद। वाह 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 वाह। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपको ना घर की बहुत बड़ी महफिल हाय बहुत छोटी सी लगती है, छोटी सी लगती है। हर वो चीज सताती है कि यहाँ मेरा बाप बैठा करता था, यहाँ मेरी माँ बैठा करती थी। अरे ख्याल रखो इन लोगों की, खिदमतें कर लो खुदा की कसम। और आज जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते ना, खुदा की कसम माँ बाप के जाने के बाद वो लोग उस जगह की भी कदर करेंगे जहां पे माँ बाप बैठते थे, बैठते थे। उनके जाने के बाद अगर तुम उस जगह को चूम रहे हो, अरे तो क्या कर रहे हो, उनकी जिंदगी में उनके हाथ चूमो, उनके पांव चूमो, उनके माथे चूमो, क्यों, कि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा बाप है। ख्याल रखना अपना दोस्तों, तमाम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। लव यू, थैंक यू, लव यू।